आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड में पार्टियां जोर शोर से जुट गई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन सरकार और संघ की अहम बैठक कार्यालय में हुई है। इस मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष के अलावा आरएसएस के संपर्क प्रमुख आलोक जी और प्रांत प्रचारक सहित वरिष्ठ संघ नेता मौजूद रहे हैं। बैठक में धामी सरकार के कामकाज की समीक्षा की गई है और साथ ही संगठन की तैयारियों को भी परखा गया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे के मामले पर उत्तराखंड में सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बीजेपी पर उत्तर प्रदेश के सामने सरेंडर करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हरीश रावत के आरोपों को नकारते हुए कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ है। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के उन आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है जिसमें कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी सरकार में पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए अलग अलग मानक हैं। जैसे वो कुछ बताएं किस रूप में किया है। अभी जो 5,700 हेक्टेयर सिंचाई विभाग की जमीन है उसके लिए कमेटी बन रही है, बाकी सब में जो था हमारा था हमें उन्होंने दे दिया, उनका था उनको लेने वाली बात है। शेयर निश्चित है, जितना जिसको मिलना है, तो सिलेंडर किस चीज का हुआ मैं बताता हूँ। उस समय भी हमने, चूंकि इस विभाग का मंत्री मैं था, उस समय हमने लगभग 100 से ज्यादा केसेस थे जिसमें हमने 60-70 केसेस उस समय निपटे थे। लेकिन कुछ ऐसे केस भी रहते हैं जिस केस में मुकदमा हो रहा है, विभाग ने मुकदमा किया हुआ है, कोई कोर्ट में है, विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट है, तब ये सारी प्रक्रिया पूरी होती है। नीतिगत निर्णय होने के बाद सामान्यतः प्रक्रिया शुरू हो जाती है।